और देखिए अब देखते हैं यहाँ का टेस्ट कैसा होने वाला, बस वो देखना है। और जगह का मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ, बता दो देगा वीडियो में। ऐतिहासिक जगह है मिनी पाकिस्तान। पाकिस्तान तो सभी को लगी है भूख, तो अभी जा रहे हैं ढाबे पे और देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है खाने। पहले करेंगे पेट पूजा, फिर करेंगे काम पूजा। फिर तो खाना ढूंढने की फिराद में ढाबे बहुत सारे हैं, देख रहे हो इतने बड़े बड़े भांडे। तो दोस्तों फाइनली आ चुका है खाना अपना यहाँ पर। भाई ये देखो, मतलब सिर्फ 310 रुपए का बिल हुआ इतना सारा खाना। व्यू देखिए भाई, क्या व्यू है ना मतलब यार। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिजिटल आरएस ग्रुप में। तो दोस्तों आज फिर से डिजिटल आरएस ग्रुप निकल चुके हम लोग, आज बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जगह आपको घुमाने वाले और बहुत ही शानदार लोकेशन पे लेकर चलने। यहाँ से लगभग देखिए बोर्ड लगा हुआ है सामने, लगभग यहाँ से 5 किलोमीटर समथिंग रह चुका है, 5 या 7 किलोमीटर है। रोड देखिए आप, मतलब रोड को भी देख के ऐसा लग रहा है वाकई में मिनी पाकिस्तान पहुंच गए हम लोग, मतलब पाकिस्तान वाली लुकिंग आ रही रोड की। तो अभी हम लोग लगभग आई थिंक 10 से 15 मिनट में पहुंच जाएगा मलेरकोटला, तो फिर आपको दिखाते हैं वहां का व्यू। गर्मी का थोड़ा मजा अंदर तो चलो ऐसी चल रही तो इतना नहीं, लेकिन बाहर मजा आ रहा है गर्मी का। आप बाइक से आइए ना, गाड़ी से आइए, ट्रेन से आना है और हालत खराब हो जाएगी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, ये देखिए दोस्तों कितना बड़ा पैलेस है ये, और बाकी में लग रहा कि बस आ चुके हम लोग। तो दोस्तों अभी पहुंच चुके हैं मलेरकोटला, तो सभी को लगी है भूख, तो अभी जा रहे हैं ढाबे पे और देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है खाने। पहले करेंगे पेट पूजा, फिर करेंगे काम पूजा, फिर करेंगे रानी की मुदी। रानी से मिलने भी जाना हमने। हाँ, उन्होंने स्पेशली फोन किया था। अरे लंच तो उनके साथ था, रानी जी के साथ। म्यूजिक मैं रात में खिलाऊंगी ना अभी। अच्छा डिनर, तो डिनर करेंगे उनके साथ, लंच करते हैं। चलो बढ़ते हैं दोस्तों, आ जाओ। तो खाना ढूंढने की फिराद में ढाबे बहुत सारे हैं और आगे। वाह सर जी वाह, देख रहे हो कहाँ से घुस रहे हैं सारे लोग। चलो हम भी घुसते। देख रहे हो इतने बड़े बड़े भांडे, वेजिटेरियन नॉन वेज सब मिल जाएगा। दोस्तों फाइनली आ गए हैं ढाबे पे, और दो ढाबे हैं यहाँ पे, एक नॉन वेज और एक वेजिटेरियन है, क्योंकि हमारे संजय भाई हैं जो वो नॉन वेज नहीं खाते हैं, वेजिटेरियन है वो, तो उनके लिए यहाँ से खाने लेंगे हम लोग, और जो हमारे लिए है वो हम यहाँ से लेंगे। तो अभी देखते हैं क्या क्या है। नॉन वेज मिल गया है, अब ये वेज की तलाश में। आलू गोभी, शाही पनीर, दाल तड़का। क्या क्या सर जी? मखनी दाल तड़का, आलू पनीर। जल्दी जल्दी बोलो सर, जल्दी जल्दी। दाल मखनी का दाल तड़का, आलू पनीर, पनीर टिक्का।
दोस्तों ये है ढाबा और अंदर जा रहे हैं हम लोग, और ये देखो सज्जन भाई के लिए आ रहा है शाही पनीर, और हम लोग थोड़े से नॉन वेजिटेरियन हैं तो हमारे लिए बटर चिकन का ऑर्डर किया है। तो दोस्तों फाइनली आ चुका है खाना अपना, यहाँ पर हमारा आ चुका है बटर चिकन। और देखिए देने का तरीका देखिए, नॉर्मल क्या होता है चंडीगढ़ वगैरह में, वहाँ तो अलग होते हैं स्टील वगैरह के, यहाँ पे बर्तन भी अलग है। और देखिए अब देखते हैं यहाँ का टेस्ट कैसे होने वाला, बस वो देखना है। तो चलिए यहाँ पर ले लेते हैं, सर्व कर लेते हैं चिकन। मेरे ख्याल से टेस्ट वाकई में बढ़िया होने वाला है, कलर से लग रहा है कि टेस्ट बहुत ही बढ़िया रहेगा। चलो दोस्तों करेंगे टेस्ट इसको, तो चलिए दोस्तों टेस्ट कर लेते हैं। कैसा सर जी? गांव वाली स्टाइल में बनाया हुआ, पूरा जबरदस्त, पूरा गांव वाली स्टाइल में बना हुआ दोस्तों, बहुत टेस्टी। यार सर जी मुंह में पानी आ रहा है सबके, यार जो वीडियो देख रहे हैं मजा आ गया। मेरा मैं भी खाने जा रहा हूँ संजय भाई का, क्योंकि संजय भाई हमारे अंडे खाते पर। दोस्तों वाकई में यार बहुत मजा आया ना, अगर चिकन इतना लजीज बना था ना चिकन, सब खत्म पूरा फिनिश कर दिया हम लोगों ने। अंदर राजा भाई को दो पीस बचे नहीं, ये भी दिखेंगे भी नहीं, बहुत ज़्यादा टेस्टी यार वाकई में ना, मतलब जैसे घर पर बनाते हैं ना हांडी में, सेम वो टेस्ट आ रहा है, मज़ा आ गया। कितने स्टार दे रहे हो? 5 स्टार। क्या बात है, मतलब 5 स्टार मिल गया। और 5 स्टार के पहले ढाबे के खाने का बहुत मजा आया, अब आगे देखेंगे वो कितना मजा आने वाला है। तो फाइनली भाइयों खाना खा, देखिए आ चुके हैं गेट पे हम, अब यहाँ से गाड़ी की पहले पार्किंग कर देते हैं। अब पता नहीं गाड़ी की पार्किंग अलाउ थी या नहीं, लेकिन करनी तो पड़ेगी भाई, क्योंकि यहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रहा अभी, कोई सिक्योरिटी गार्ड कुछ भी ऐसा। और व्यू देखिए भाई क्या व्यू है ना, मतलब यार मज़ा आ गया ना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए किले का व्यू कुछ इस तरीके से, जो कि बहुत ही ज़्यादा पुराना दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर अभी अंदर जाना का बिल्कुल मना किया हुआ है, शायद मे बी कोविड की वजह से या कुछ और रीज़न हो सकता है, तो यहाँ पर बिल्कुल बंद किया हुआ है अभी, हम लोग रिटर्न जा रहे हैं। और मतलब अंदर जाना अलाउ नहीं है, अदरवाइज़ तो पूरा व्यू दिखाने वाले थे आपको हम, तो अंदर जाना अलाउ नहीं है, फिर भी बाहर से आप व्यू दे सकते हैं, क्योंकि अभी हम गए थे तो सिक्योरिटी गार्ड ने बोला कि मतलब अभी ये बंद किया हुआ है, कुछ रीज़न हुआ होगा मे बी शायद, तो अभी पता नहीं चला रिजल्ट का, लेकिन ये है कि घूमने की जगह अच्छी है, लेकिन अगर बंद नहीं होती तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला था। चलिए दोस्तों तो जैसे कि आपको दिखाया कि यदि परमिशन नहीं अंदर जाने की, शायद मेरी किसी रीज़न से बंद किया हुआ है, और क्या रीज़न है उसको ये नहीं पता, कोई शायद जैसे कभी किया हो या कुछ नहीं हो सकता, तो उन्होंने यही कहा कि सर अगर घूमना है तो चंडीगढ़ से परमिशन लेके आने पर प्लीज़ करो, तो मतलब वो घुमा तो नहीं पाए पूरा, लेकिन फिर भी बाहर से जितना व्यू हो सके उतना दिखाना चाहा, क्योंकि हम तो खुद स्पेशली घूमने के लिए आए थे यहाँ पे। तो आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये अधूरा रह गया, बाकी कुछ और लोकेशन देखेंगे फिर से आपको वो लोकेशन घुमाएंगे पूरी। तो मिलेंगे दोस्तों अगले व्लॉग्स में, व्लॉग्स पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।